आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए कपड़े से बहुत ही किचन के लिए यूजफुल चीज़। तो आप भी वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखिए। देखिए सबसे पहले ले लेंगे हम कपड़ा, जो कि मेरे पास छोटा सा पीस बचा हुआ था, उसको हम गोल कटिंग कर लेंगे। और गोल कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है ये छलनी, आप चाहे दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं। और ये देखिए उसके बाद में हम कर लेंगे इस पर कटिंग। ये वही कपड़ा है जो अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो हमने एक बच्चे की टोपी का वीडियो डाला था, उसका बचा हुआ ये पीस था, उसी से हम ये बनाने वाले हैं। और ये देखिए हमने दो कपड़े इस टाइप से कटिंग कर लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के ही हमने इसको कटिंग किया था, यानी कि दो पीस हमें एक साथ मिल गए थे। उसके बाद में देखिए ये जो फोम होती है, ये कई बार नए कपड़ों के साथ में आती है, जैसे सूट वगैरह होते हैं ना उसके अंदर आती है, साड़ी वगैरह के अंदर भी आती है, वो इसी फोम का हम यूज करने वाले हैं। तो इसका भी देखिए एक पीस हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी हम इसको सेट कैसे करेंगे, देखिए एक वाला पीस नीचे रखेंगे उल्टा, उसके ऊपर फोम रखेंगे और उसके ऊपर ही सीधे वाला पार्ट रखेंगे। तो यानी कि ऊपर नीचे हमारा जो पार्ट है वो कपड़े का, वो सीधा वाला पार्ट आना चाहिए। और ये देखिए इसके बाद हम कर लेंगे इस पर सिलाई। ये देखिए बिल्कुल भी कपड़ा हिल नहीं रहा है, क्योंकि कपड़ा जो है एकदम कॉटन वाला सा है ये। आपके पास अगर कोई दूसरा है, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप चाहे तो बीच में इसको पहले से थोड़ा मोटे मोटे सिलाई करके हाथ से कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, और उसके बाद में आप सिलाई टाइप से करेंगे तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं हिलेगा। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा डिज़ाइन बन करके आएगा। और ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें दो से तीन टाँके लगा कर भी इसको छोड़ सकते हैं। बस हमने इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए बना लिया है। उसके बाद देखिए ये तिरछी जो कटिंग करते हैं ना कपड़े की, पाइपिंग वगैरह निकालने में, वो वाली कटिंग हमने कपड़े की है। और अब इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले कपड़े को नीचे रखेंगे पाइपिंग वाले को, और उसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे। और ये देखिए इसको धीरे धीरे सिलाई करते हुए घुमाते हुए इसको लेकर के आएंगे। जब भी कोई भी चीज़ पे आप इसको सिलाई करते हैं उरेब वाली पट्टी को, तो थोड़ा सा खींच के अगर हम लेंगे, सिर्फ पट्टी को, कपड़े को नहीं, ऊपर वाले कपड़े को नहीं, सिर्फ पट्टी को अगर थोड़ा सा हम खींच के लेते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, सलवट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो देखिए इस टाइप से आप भी कर लीजिएगा। और ये जो हम बना रहे हैं इसे आप, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो चकले के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर हॉट केस वगैरह में जहाँ पे हम रोटी रखते हैं वहाँ पे भी इसको आप रख सकते हैं, ताकि रोटियाँ हमारी गंदी ना हो, नीचे से गीली ना हो। उसके अलावा आप बेड पे, टेबल पे, जहाँ पे भी आप चाय कॉफ़ी के कप वगैरह रखते हैं या फिर बोतल वगैरह रखते हैं, तो कई बार होता है ना निशान पड़ जाता है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हैं, और बहुत ही प्यारा दिखता है ये। तो ये देखिए जैसे कि हमने कहा था, थोड़ा अगर हम खींच के लेंगे तो ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट, कुछ भी दिक्कत हमें नहीं आई है, एकदम ये पहले से ही मुड़ने जैसी शेप में आ गया है। अब इसको इस टाइप से मोड़ेंगे और इसको दोबारा से पलट देंगे, और ये देखिए इस टाइप से मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते वक्त ध्यान रखें, नीचे और ऊपर दोनों साइड में अगर सिलाई आएगी तो परफेक्ट दिखेगा। तो देखिए बिल्कुल धीरे धीरे इसको हम सिलाई भी कर लेते हैं, और ये हमारा बन करके हो जाएगा रेडी। तो ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए इस प्रकार से हम सिलाई कर लेंगे, और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या सही लगा, आपको कौन सा आइडिया इसमें ज़्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताएं। और उसके बाद देखिए छोटी सी एक हमने डोरी सील करके अलग से इसको ज्वाइंट कर दिया है, ताकि जब भी आप इसको रखें तो एकदम अच्छे से रखा जा सके, कहीं पर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं, जैसे धोने के बाद भी इसको सुखाने के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।